पढ़ाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग सीखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉज होते हैं, एक होता है जंक्शन लॉ और दूसरा होता है वोल्टेज लॉ या लूप लॉ उसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जंक्शन लॉ क्या होता है। जंक्शन लॉ बताता है कि किसी जंक्शन पर जो करंट का एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट ए जंक्शन इज जीरो। तो ये जो लॉ है एक्चुअली में चार्ज कंजर्वेशन की बात करता है। जैसे अगर ऐसे माना जाए कि यहां पर तीन वायर है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से भी आ रहा है और यहां से जा रहा है। ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। ये जंक्शन है, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन कहता है कि जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा, मतलब एक सेकंड में जितना आया उतना चले गया। इसलिए कह सकते हैं कि जैसे इनकमिंग करंट है उसको मैं I1 लेता हूं तो I2 भी इनकमिंग होगा, दोनों को प्लस लिया, और जो आउटगोइंग है उसको माइनस लिया, ये सारा मिला करके होना चाहिए जीरो। तो यही कहता है जंक्शन लॉ कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा भी रहा होगा, मतलब इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये I3 है ना। दूसरा जो लॉ होता है उसको हम लोग कहते हैं लूप लॉ, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ या सर्किट लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये लॉ कहता है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब ये जो लॉ है इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा सर्किट बनाता हूं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक रेजिस्टर है, फिर एक बैटरी है, फिर एक रेजिस्टर है, है ना, फिर एक यहां पर बैटरी आ गया, फिर रेजिस्टर आ गया। तो ये मान लिया कि 2 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये हो गया 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, ये हो गया, ऐसा मान लेते हैं कि 40 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, या 50 वोल्ट की बैटरी है। तो अब इसमें करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है। ये 50 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो दोनों एक साथ में डिस्चार्ज नहीं हो सकते, पोलरिटी जो है इनकी उल्टी है। तो एक डिस्चार्ज होगा और दूसरा चार्ज होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि हायर वोल्टेज वाला बैटरी डिस्चार्ज होना चाहिए और लो वोल्टेज वाला बैटरी चार्ज होना चाहिए। अगर ये चार्ज होगा तो इसके लिए एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में जा करके इंटर करेगा, ठीक। तो करंट का डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया। अब इसके लूप में घूमते हैं। जैसा कि ये लूप लॉ कहता है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट से चलता हूं, जैसे ये है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया x है, ठीक। तो अब यहां से इधर चलूंगा तो यहां से यहां तक तो पोटेंशियल बराबर रहेगा, लेकिन जैसे यहां से इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जो करंट है वो रजिस्टर के क्रॉस हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, तो यहां से इधर जाने पर घटेगा I into R का वैल्यू है 2 ओम, यहां से यहां तक सेम रहेगा। अब ये जो है बैटरी है तो इसकी पोलरिटी जो है करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा हाई होगा, ये हमेशा लो होगा, तो यहां से इधर जाने पर डिक्रीज होगा बाई अमाउंट 10 वोल्ट। अब यहां का आ गया, यहां से इधर जाएंगे तो फिर घटेगा, क्योंकि ये रजिस्टर है और रजिस्टर में हाई से लो की तरफ करेंट जाता है, ठीक। तो यहां से इधर जाने पर फिर से घटेगा I into resistance 4 IR, यहां से यहां तक सेम रहेगा, फिर यहां से इधर जाएंगे तो फिर घटेगा
क्योंकि रेजिस्टर में करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। तो यहाँ डिजाइनर पर फिर घटाएंगे माइनस आई इंटू सिक्स, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। अब इसके आगे जाने पर बढ़ेगा क्योंकि बैटरी की पोलरिटी करंट पर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा लो या हमेशा हाई होता है। तो यहाँ से इधर जाने पर लो से हाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो ऐड होगा, यानी कि 50 वोल्ट से ऐड कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, इसके आगे जाएंगे तो फिर घटेगा क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो यहाँ इधर जाने पर फिर से घटेगा आई इंटू 8 ओम। अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, यानी ये सारा मिलकर के एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया, पूरा जो लूप में घूमा हमने तो डिफरेंस जो है वो जीरो है, एक्स से शुरू किया था वापस जो आया तो भी एक्स ही रख दिया, यानी डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप पूरे लूप में जीरो हो गया। तो यही कहता है ये लो। अब देखेंगे कि यहां से करंट की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है। ये कह सकते हैं कि ये 50 माइनस 10 इधर हो गया 40, और उधर ले जाएंगे तो आई 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 आई, मतलब आई का जो वैल्यू है ना, वो हो गया 2 एम्पियर, ठीक। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट दिया गया है, इसमें चार पॉइंट दिखाए गए ए बी सी और डी। पूछा गया है कि ये जो बी डी वायर है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। एक लॉ एक लूप ये ले लेते हैं, पहला लूप है ना, ये है लूप नंबर 1, और एक लूप ये ले लेते हैं लूप नंबर 2। यहां से करंट हमने मान लिया कि ये I1 करंट जा रहा है, और इसमें हमने मान लिया कि I2 करंट जा रहा है, ठीक है। अगर यहां से I1 गया इधर I2 गया तो इधर जाना चाहिए I1 माइनस I2, ठीक। अब पहले इस लूप में घूमते हैं, है ना, इन लूप 1। पहले लूप में D से शुरू करते हैं, मतलब कि यहां पर तो हो गया वी डी, यहां से यहां तक सेम रहेगा, इसके आगे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा बाई अमाउंट 20, 20 वोल्ट से बढ़ जाएगा क्योंकि लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, पोलरिटी ये लो होगा या हाई होगा। यहां से यहां तक सेम रहेगा, इसके आगे जाने पर घटेगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो करंट है आई वन और रेजिस्टेंस है 5, आई आर से घट जाएगा। अब यहां आ गए, यहां से यहां तक सेम रहेगा, तो इसको मैं वी डी के बराबर लिख देता हूँ, वी डी कैंसिल। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो आई वन का वैल्यू है वो आ गया 4 एम्पियर, मतलब यहाँ से 4 एम्पियर का करंट जा रहा होगा ऐसे, ठीक। अब इस लूप में घूमते हैं, इन लूप 2, इसमें भी डी से शुरू कर देते हैं वी डी, चाहे तो आप ऐसे घूम सकते हैं या ऐसे भी घूम के आ सकते हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां से ऐसे चलता हूं तो यहां तक तो VD है, यहां से यहां सेम रहेगा, इसके आगे जाने पर बढ़ेगा क्योंकि हम लोग करंट के उल्टा चल रहे हैं, करंट हाई से लो की तरफ लो कर रहा है, हम लोग लो वाले से हाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो यहां तक VD है, इसके आगे जाने पर बढ़ेगा, बढ़ेगा बाय अमाउंट आई, आई यहाँ का आई 2 है और रेजिस्टेंस है 2। यहां से यहां तक सेम रहेगा, अब यहां से इधर चलेंगे तो ये घटेगा क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल होता है, तो घटने का मतलब 10 माइनस कर देंगे। अब यहां आ गए, यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल है, तो इसको मैं वी डी कर सकता हूं, तो वी डी कैंसिल हो गया। तो यहां से जो आई टू है, यहां से आई टू का वैल्यू देखेंगे 10/2 यानी कि 5 एम्पियर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये I2 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन हमने सही चुना था, करंट ऐसे ही जाएगा, और I1 भी प्लस 4 एम्पियर आया था, यानी यहां भी करंट का डायरेक्शन सही था, ठीक। तो अगर ये जा रहा है 4 एम्पियर और ये जा रहा है 5 एम्पियर, इसका मतलब I1 माइनस I2 कितना हो गया, I1 माइनस I2 हो गया -1। तो -1 का मतलब हो गया कि करंट इधर नहीं उल्टा जाना चाहिए, करंट ऐसे जाना चाहिए और 1 एम्पियर का करंट जाना चाहिए। ये डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि 4 एम्पियर से तो 4 एम्पियर तो इधर से गया, 5 एम्पियर इधर गया,
इसका मतलब 1 एम्पियर इधर से गया होगा जंक्शन लॉ के हिसाब से, जो जंक्शन लॉ कहता है अगर 4 इधर से गया 1 इधर से जाएगा तभी तो इधर से 5 जाएगा, है ना। तो इसका मतलब डी से बी की तरफ 1 एम्पियर का करंट जाएगा। इसको एक सोल्व करने का एक और भी आसान तरीका है, मतलब कि इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत ही आसान तरीका है, कोशिश करना चाहिए कि किरचॉफ्स लॉ नहीं लगाया जाए, क्योंकि उसके लिए हमें इक्वेशन सोल्व करने पड़ते हैं किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए, है ना। तो किरचॉफ्स का लूप लॉ को अवॉइड करना चाहिए अगर बहुत बड़ा सा सर्किट है तो, ठीक है। मतलब कि बिना किरचॉफ्स लॉ लगाए भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 2 ओम, ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं, मान लिया कि यहां का पोटेंशियल है 0, ठीक। यहां का पोटेंशियल 0 है तो ये तो कि वायर है तो यहां का पोटेंशियल भी 0 होगा, ठीक। अब यहां से यहां तो 0 ही रहेगा, इसके आगे आएंगे तो 10 से बढ़ जाएगा, तो यहां का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। अब देखेंगे कि जो रेजिस्टर है इधर 10 वोल्ट पोटेंशियल, इधर 0 वोल्ट पोटेंशियल, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट आ गया, 10 माइनस 0 10 वोल्ट का आ गया। करंट हाई से लो की तरफ जाता है रेजिस्टर में, तो करंट ऐसे जाएगा, तो करंट कितना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाय 2 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। आई निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 10 बाय रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी कि 5 एम्पियर करंट यहां से चले गया। इधर देखते हैं, जैसे ये 0 है, यहां से यहां तक 0 होगा, इसके आगे जाएंगे तो 20 से बढ़ेगा, तो 0 में 20 ऐड करेंगे तो यहां का 20 हो गया, तो यहां का भी 20 वोल्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, यहां पर 0 यहां पर 20, ठीक है। तो चूंकि ये हायर है ये लोअर है तो करंट ऐसे जाना चाहिए हाई से लो की तरफ, और कितना जाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 0 बाई रेजिस्टेंस 5 ओम, तो 20 बाई 5 यानी कि 4 एम्पियर करंट जाएगा। तो अब देख सकते हैं 4 एम्पियर करंट इधर से गया, 5 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है, यानी 1 एम्पियर इधर से गया होगा, फिर तभी तो किरचॉफ्स का जंक्शन अप्लाई होगा। तो किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ तो हमेशा ही अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो लूप लॉ है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहां पर इक्वेशन सोल्व करना पड़ता है। यहां तो बहुत ही छोटा सा सर्किट था इसलिए छोटा सा इक्वेशन था, कई बार लंबे लंबे इक्वेशन बन जाते हैं तो सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगाना चाहिए जब हमें ऐसा देखेंगे आप यहां पर कि जैसे ये रूट है ना, यहां से इधर कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो पोटेंशियल पता करना बड़ा आसान है। यहां का 0 था, यहां से देखेंगे आप, यहां से पता करते करते यहां पहुंच गए 10 वोल्ट, और यहां से पता करते करते 20 पहुंच गए यहां पर, है ना। तो ऐसा रूट से पोटेंशियल निकालने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें रजिस्टर नहीं हो, और वैसे करते करते अगर कहीं भी रजिस्टर होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो करंट निकल जाएगा, ठीक है।